खबरों में आगे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सूरजपाल अम्मू ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल ट्विटर खेल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी का काम चिड़िया उड़ाने का है जबकि बीजेपी का काम शहीदों का सम्मान करने का है। सूरजपाल अम्मू फरीदाबाद में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जाने के कार्यक्रम की जानकारी देने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी सरकार बनने के हसीन सपने देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और सपने देखने का सबको अधिकार है। हरियाणा के 7,800 गांवों और वार्डों में 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के दो दो कार्यकर्ता नेता 75-75 लोगों के साथ स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को और शहीदों को परिवारों को सम्मानित करने का कार्यक्रम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी के आह्वान पर जय हिंद बोस का नारा 23 जनवरी को पूरे हरियाणा में गूंजेगा। सम्मान करना नहीं जानती, अमर जवान ज्योति की लौ को बुझाने का काम कर रही है। निर्बुद्धि है राहुल गांधी, बुद्धि की कमी है शुरू से, और मुझे तो लगता है कि उनकी माता जी को उनका चेकअप जरूर कराना चाहिए। अरे जिस सुभाष चंद्र बोस जी का हम नाम ले रहे हैं, जिनकी 125वीं जयंती हम मना रहे हैं, जो कभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, अगर हम उनका सम्मान कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को तो राहुल गांधी को धन्यवाद करना चाहिए। हम उनका सम्मान कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़े थे, कांग्रेस के नेता थे, गृहमंत्री थे देश के। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के नेता थे। आज हम उनका सम्मान कर रहे हैं और राहुल गांधी हमारे ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। निश्चित तौर पे इनके दिमाग के एक दो पेज ढीले हैं। मुझे लगता है या तो ये भारतीय जनता पार्टी से घबराते हैं या ये नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो विजन है उससे चिंतित हैं, क्योंकि इन्होंने कभी अपने वीरों का शहीदों का सम्मान किया नहीं, और अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो इनको तकलीफ हो रही है। तो निश्चित तौर पे राहुल गांधी के दिमाग का टेस्ट स्वयं उनको कराना चाहिए, उनकी माता जी को या प्रियंका जी को कराना चाहिए। चलिए रुख फरीदाबाद का करेंगे। फरीदाबाद में अरावली की पहाड़ियों में मिले मृत गायों के जखीरे से वन विभाग की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। इलाकों की निगरानी के लिए वन विभाग में बकायदा फॉरेस्ट गार्ड होता है, इंस्पेक्टर होता है, इसी के साथ ही रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर भी होता है, जिला वन अधिकारी होता है और तमाम टीम भी होती है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वन विभाग के किसी भी अधिकारी को इतने बड़े स्तर पर किए जा रहे अवैध गोरख धंधे की खबर नहीं लगी होगी, ऐसा कैसे मुमकिन है। अब या तो वन विभाग या दूसरे संबंधित विभाग के अधिकारी काम नहीं करते या फिर सब मिलीभगत से इस काम को अंजाम दिया जा रहा था। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सूरजपाल अम्मू ने मामले की जानकारी मिलने पर संबंधित सभी अधिकारियों के खिलाफ एक कमेटी का गठन कर जल्द ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। हालांकि इस मामले में खबर चलाने के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ठेकेदार करजन और इसी के साथ ही उसके 4 साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुझे जहां तक ज्ञात है कि उस ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और जिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह हुआ है या जो भी वन विभाग के अधिकारी या नगर निगम के अधिकारी इसमें संलिप्त हैं या इस प्रकार की हरकतों में संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शीघ्रता से होनी चाहिए। मैं कमिश्नर नगर निगम से अनुरोध करूंगा और कमिश्नर पुलिस से भी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के DFO से भी अनुरोध करूंगा कि इस पर संज्ञान लें, अगर क्योंकि ये विषय गायों से जुड़ा हुआ है और इस प्रकार की हरकतें करना निश्चित तौर पर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है और लापरवाही भी है। और अगर इस प्रकार के गलत कार्य अगर ठेकेदार कर रहे हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है तो निश्चित तौर पर विषय गंभीर है। मैं अनुरोध करूंगा और चेतावनी भी दूंगा उन अधिकारियों को कि या तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, इनको तुरंत गिरफ्तार करें, अन्यथा उनका क्या होगा ये वो भी जानते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के गृहमंत्री इस विषय पर बेहद गंभीर है, निश्चित तौर पर इस पर सख्त कार्रवाई होगी। मुझे इस बारे में सूचना कल मिली थी तो उसके बारे में मैंने स्टाफ को डायरेक्शन इशू कर दिया था कि इसमें सारी जांच करके मेरे को रिपोर्ट सबमिट करें, तो जैसे ही रिपोर्ट सबमिट होगी उसके हिसाब से जो भी कार्रवाई बनती होगी उन पर हम कार्रवाई करवा देंगे। अब बट हमारे पास ऐसी कोई भी परमिशन टाइप से नहीं है कि इस टाइप से ये लाइन इसको यूज इस टाइप से कर सकते हैं। अभी कोई जानकारी मिल पाई हो कब से ये लोग कर रहे थे इस काम को वहाँ पर? नहीं, अभी मेरे पास उसकी कोई जानकारी नहीं आई, जानकारी किसी सोशल एक्टिविस्ट ने मुझे कल दी थी तो उसके बेसिस पे मैंने डायरेक्शन इश्यू की थी इसकी इंक्वायरी की, बट अभी मेरे पास इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आ पाई। और वहीं दिल्ली से सटे फरीदाबाद में कोरोना महामारी को देखते हुए शराब के ठेकों पर अब सरकार ने शाम 6 बजे तक बंद करने के टाइम बढ़ाकर भले ही रात्रि 10 बजे तक कर दिया हो।
लेकिन फरीदाबाद के डबुआ थाना इलाके की डबुआ कॉलोनी में एक परचून की दुकान में चल रही अवैध रूप से शराबों के ठेके का ना तो खुलने का कोई समय है और ना ही बंद होने का, जिस वजह से यहां इस परचून की दुकान में ना केवल अवैध रूप से शराब बेची जा रही है बल्कि लोगों को ऑनलाइन सट्टा भी खिलाया जा रहा है। इसकी वीडियो फरीदाबाद में वायरल हो रही है। इस वायरल वीडियो मामले में जब थाना डबुआ SHO से बात की गई तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया और आश्वासन दिया कि वो इस मामले में कार्रवाई अवश्य करेंगे और अपने इलाके में कहीं भी कोई अवैध काम नहीं होने देंगे। हमारे तो छोटे छोटे बच्चे बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है, खुलेआम दारू बिकता है, वहाँ पे सट्टा खेला जाता है और बच्चे इतने, हम तो वहाँ से निकलने के लिए मजबूर हो रहे हैं, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता, बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे इनके, तो बहुत बुरे राग चल रहे हैं, हमारा वहाँ रहने को बिल्कुल भी मन नहीं है। पुलिस की वो पुलिस आती है वहाँ पैसे ले लेके जाती है, कोई कार्रवाई नहीं करती वहाँ। ये तो हम काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं, हम तो खुद दुखी हो गए वहाँ। ये दुर्गा मंदिर वाली गली है, बहुत बुरा है वहाँ पे, तो रहने का मन भी नहीं करता, बहुत बुरा है वहाँ पे। मनीष है वो जो दारू बेचता है, एक और मोटा सा है, वो भी सारे ही लोग ऐसे महफिल जमा देते हैं वहाँ पे, वहाँ से तो औरतों का धरवर भी नहीं है निकलने का, बहुत बुरा है वहाँ। और वहीं रुख चलिए रेवाड़ी का कर लेते हैं। रेवाड़ी में लगातार बढ़ते अतिक्रमण को लेकर शहर की प्रतिष्ठित ब्रॉस मार्केट के साथ शहर में विभिन्न स्थानों पर पार्किंग बनाने के नगर परिषद के तुगलकी फरमान के बाद ब्रॉस मार्केट के दुकानदारों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है और उन्होंने न केवल अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए हैं बल्कि ब्रॉस मार्केट के गेट पर भी ताला जड़ दिया और नगर परिषद प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तो वहीं मार्केट बंद होने की सूचना मिलते ही पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव भी अपने समर्थकों के साथ ब्रॉस मार्केट पहुंच गए और उन्होंने भी नगर परिषद के इस फैसले को तुगलकी फरमान बताते हुए व्यापारियों के साथ खड़े रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस तरह हुडा की जमीन पर नगर परिषद पार्किंग नहीं बना सकती है, लेकिन ऐसे फैसले को लेकर नगर परिषद मनमानी करने पर उतारू हो चुकी है जिसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नगर परिषद की कार्यशैली पर जमकर उन्होंने सवाल उठाए। तो वहीं इधर व्यापारियों ने पार्किंग के नाम पर नगर परिषद पर गुंडा टैक्स वसूलने का आरोप लगाया है। व्यापारी का कहना है कि हुडा की मार्केट में लाखों रुपये खर्च करके उन्होंने दुकानें ली हुई हैं और यहाँ पार्किंग सिर्फ व्यापारियों और इसी के साथ ही ग्राहकों के लिए है जिसे इस तरफ पेड करके वसूली नहीं की जा सकती। देखिए पार्किंग की व्यवस्था शहर को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई थी, जिला प्रशासन के जो आदेश पर यह पार्किंग शुरू करवाई गई थी। अभी उच्च अधिकारियों के आदेश प्राप्त हुए थे व्यापारियों के, उसको देखते हुए हमने उस पर संज्ञान लेते हुए अभी इसको होल्ड पर रखने का निर्णय लिया है। जिला प्रशासन द्वारा सोमवार मंगलवार तक इस मामले में मीटिंग बुलाई जाएगी, जो भी मीटिंग का निर्णय होगा वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। सर मैं 2001 से इस मार्केट में दुकान खोले बैठा हूँ जी। मैं हुड्डा के एक एक बाईलॉज और RTI से जानता हूँ कि इसमें पेड पार्किंग का है ही नहीं प्रोविजन जी। ये कम्युनिटी पार्किंग है, कम्युनिटी की सेफ्टी के लिए है, हमारे दुकानदारों के लिए है। ये इन किस नियम के तहत पार्किंग लगाई ये तो बता दें, और किस नियम के तहत हटा के चलेगा ये भी नहीं बता रहे। अरे अगर इतने सही थे कानूनी रूप से तो लगा दे तो लगा लो ना, फिर हम क्या कर लेंगे, और गैर कानूनी है तो फिर लगाई क्यों, कम से कम ये तो स्पष्ट कर दें। हमने गेट बंद कराया था यहाँ पर और उसमें SHO साहब आए थे, तो उसमें ये डिसाइड हुआ था कि जब तक DC साहब कोई भी फैसला नहीं दे देते हैं यहाँ पे पार्किंग नहीं लगेगी। परंतु आज सुबह जब आए हैं यहाँ पर 9 बजे तो इन्होंने पार्किंग लगा रखी थी जी, जो भी एंटर कर रहा है जी उसकी पर्ची पकड़ा रहे हैं। अब मुद्दा ये है कि ये जो ज़मीन है हुड्डा की ज़मीन है, पहला राइट तो कमेटी का बनता ही नहीं है जी यहाँ पर। दूसरी बात ये है कि जब ये दुकान हमें अलॉट की गई थी तो पार्किंग के पैसे हमसे इंक्लूड करके लिए गए थे, तो अब ये अलग से पार्किंग किस लिए मांग रहे हैं हम लोगों से। और वहीं यमुनानगर में ओवरलोड और अवैध खनन पर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों की रेकी करने वाले ग्रुप फिर से सक्रिय हो चुके हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकारियों की लोकेशन शेयर की जा रही है। ओवरलोड और इसी के साथ ही अवैध खनन का खेल हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी अध्यक्ष वरियाम सिंह ने ये कहा है कि प्रशासनिक ढिलाई की वजह से नहीं रुक रहा खेल। लंबे समय से इस प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुपों पर शिकंजा कसने में प्रशासनिक अधिकारी नाकाम साबित हुए हैं। हालांकि गत वर्ष महीनों पहले जठलाना पुलिस ने ऐसे ही ग्रुप चला रहे एक युवक को दबोचा था।
जिसके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ था, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन इन ग्रुपों पर अंकुश नहीं लगा पाया है और आज भी इस प्रकार के ग्रुप प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बने होने के साथ ही प्रशासनिक कार्रवाई में एक बड़ी बाधा बने हुए हैं। एरिया है रादौर, यमुनानगर और जठलाना एरिया है, यहाँ दिन रात ओवरलोड चल रहे हैं, राष्ट्र संपत्ति सड़कों को दिन रात क्षति पहुँचा रहे हैं। मैंने इस विषय में 2019 में एक शिकायत माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को दी थी कि इस ओवरलोड और अवैध खनन के भ्रष्टाचार के प्राकरण की अगर CBI जाँच कराई जाए तो एक SDM नहीं, हरियाणा प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ खनन हो रही है वहाँ वहाँ से कई बड़े चेहरे और कई बड़े अधिकारी उसमें इन्वॉल्व मिलेंगे। देखिएगा, निम्न स्तर के अधिकारी जानबूझ करके हरियाणा सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं और ये जो सरकार की तो छवि को धूमिल कर ही रहे हैं, वहीं ये राष्ट्र संपत्ति सड़कों को और राष्ट्र खनिज का नुकसान कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र को खतरे में झोंक रहे हैं। दिन रात धड़ल्ले से ओवरलोड चलते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है और निम्न स्तर के जो अधिकारी हैं जो जाँच के लिए आते हैं उनकी प्रतिवाहन उनकी जो फीस है वो। और इसी के साथ ही हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बन रहे हमारे साथ, नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र TV ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।